जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड की एक नई भर्ती आ चुकी है आप सभी के लिए। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। योग्यता 12वीं पास मांगी गई है। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लें, जिससे आने वाली हर भर्ती जो भी डिफेंस से संबंधित होती है या फिर पुलिस फोर्स से संबंधित होती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ करके बताऊंगा क्या क्या योग्यता, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला, क्या उम्र सीमा रहने वाली है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। एप्लीकेशन इसके स्टार्ट होने वाले, इसके ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जो फॉर्म आपके 13 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2024 रहने वाली है। 3 जुलाई से पहले पहले इसके लिए आवेदन कर दें। 01/2025 के बैच के लिए भर्ती आपकी होने वाली है। इसमें अगर हम जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो नेवी के लिए होने वाली है। इसमें नेवी के पदों पर, यानी कि जो भारतीय इंडियन नेवी की हेल्प करती है उसके लिए होती है कोस्ट गार्ड, उसके लिए भर्ती होने वाली है। यहाँ पर जॉब लोकेशन देख सकते हो, इस प्रकार से होती है इनकी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है इसमें इंडियन मेल सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट रहेगी आपकी नाविक जनरल ड्यूटी के साथ ही यांत्रिक के पदों पर ही भर्ती होगी, ठीक है। आर्मी फोर्सेज की भर्ती हो जाती है, आर्मी फोर्सेज के तहत आती है, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप नाविक जीडी यानी नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं में आपके पास मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, जब भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अगर हम यांत्रिक की बात करते हैं तो यांत्रिक के पदों पर अगर फॉर्म भरते हो तो अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप आवेदन कर पाओगे, लेकिन सिर्फ 10वीं पास योग्यता नहीं रखी गई है, उसके साथ में 10वीं के साथ में आपने कोई डिप्लोमा किया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग 3 या 4 साल का डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो 10वीं पास के साथ। अगर आपने 10वीं के साथ में 12वीं पास की हुई है और 12वीं के बाद में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा आपका 2 साल का होता ना 12वीं के बाद, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा या कोई ट्रेनिंग की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके डिप्लोमा दिए हुए हैं, जो आप अगर यांत्रिक के लिए आवेदन करते हो तो ये डिप्लोमा है आपके पास, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नीचे की तरफ आ जाते हैं एज लिमिट के बारे में। जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी 18 से लेकर के 22 साल उम्र सीमा मांगी गई है। अगर हम जन्म की बात करते हैं, जिस बच्चे का जन्म 1 मार्च 2003 के बाद हुआ वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 18 फरवरी 2007 से पहले हुआ है, ठीक है। अगर हम वहीं बात करते हैं 18 से 22 साल हो जाती है, इस बीच उम्र सीमा होती है जो आपकी 18 से 22 साल हो जाती है। अगर हम बात करते हैं अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से आते हो तो आपको 5 साल की उम्र में छूट देखने को मिलेगी, यानी कि 5 साल को आपको छूट देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी उम्र सीमा जो 18 से लेकर के 27 साल तक आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो एस सी एस टी वाले। वहीं अगर हम ओ बी सी वालों की बात करते हैं, अगर आप ओ बी सी कैटेगरी से आते हो तो ओबीसी वालों को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, यानी ओबीसी वाले 18 से लेकर के 25 साल तक के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है आपकी नाविक जीडी की, नाविक जीडी की जो वैकेंसी है जोन वाइज दी हुई है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, हम नॉर्थ जोन में आते हैं या फिर हम वेस्ट जोन में आते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में आते हैं या फिर ईस्ट में आते हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, या फिर अंडमान एंड निकोबार में आते हैं, तो उसके बारे में आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप इसमें वैकेंसी देख सकते हो कौन से जोन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी दी हुई है यहाँ पर जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एसटी की और एससी की, यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यांत्रिक के लिए, यांत्रिक के लिए कोई जोन वाइज आवेदन नहीं होगा, इसकी ऑल ओवर इंडिया भर्ती रहेगी, ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ लगेगी, ठीक है ना। इसमें आपसे क्या है कि डिप्लोमा मांगा जाएगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी दी हुई है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में, जैसे आपने यहाँ पर देखा ना नॉर्थ में कौन कौन से राज्य जाएंगे, आपकी सबसे बड़ा सवाल ये होता है नॉर्थ में ये राज्य कवर किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये आपके नॉर्थ में आ जाते हैं। वेस्ट में ये राज्य आ जाते हैं जो यहाँ पर दिए हुए, नॉर्थ ईस्ट में ये वाले राज्य आ जाते हैं, ईस्ट में ये वाले राज्य, नॉर्थ वेस्ट में गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार के आइसलैंड आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आपने देख लिया होगा, अब अपना स्टेट देख लेना, इसमें नॉर्थ में अपना स्टेट देखने के बाद इस वाले रीजन में आप अप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पर रीजन दिए हुए हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ जा करके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो फॉर्म भरते वक्त एक चीज़ का बस ध्यान रखना, आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर होगी, जहाँ आपका सीबीटी फर्स्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए आपको जो आपके सिग्नेचर अगर अपलोड करने होंगे वो सारा आपको फॉर्म भरने वाला बता देगा, ठीक है ना। स्टेज वन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज वन में आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। सबसे पहले आपका आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको लेकर के जाना, और 2 फोटोग्राफ वो आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद एग्जाम सेंटर पर आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए, यांत्रिक जीडी के लिए अगर आप फॉर्म भरते हो तो सेशन 1 और 2 सेशन आएंगे। दोनों सेशनों में आपके एक में तो 50 नंबर, अगर दोनों सेशनों को मिलाकर के 50 नंबर है तो जनरल ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपके पास आप पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि
एससी एसटी वालों के लिए ये दिया हुआ 17, यानी दोनों सेक्शनों को मिलाकर के। वहीं पर अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 1 और 3 पूछे जाएंगे। अगर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो 1 और 4 आएगा। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करते हैं तो 1 और 5 पूछा जाएगा। उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। जैसे नाविक जीडी में दिया हुआ था ना, नाविक जीडी में सेशन 1 और सेशन 2, यानी कि ये 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे नाविक जीडी में, ठीक है ना। इस प्रकार से रहने वाला, यानी कि सेशन 1 तो सभी में आएगा, बाकी का नीचे का सेशन जो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, देखना चाहते हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर जाना होगा। टेलीग्राम अकाउंट का नाम हमारे का अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। उस टेलीग्राम को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सेशन 1 में आपका 10वीं लेवल का आएगा। ये सेशन 1 तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यांत्रिक उसके लिए नाविक जीडी के लिए फॉर्म भरते हो तो फिर सेशन 2 आएगा। सेशन 2 आपका 12वीं के बेस पर आएगा, जो कि फिजिक्स और मैथ से संबंधित होने वाला आपका सेशन है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, अगर जैसे आप भरते हो फॉर्म यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में आपसे जो पूछा जाएगा सेशन 1 और सेशन 3 पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे की तरफ करोगे तो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भरते हो तो सेशन 1 और सेशन 4 पूछा जाएगा। सेशन 1 और सेशन 4 इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप पूरा देख लेना, अगर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी इस भर्ती में। नॉर्मलाइजेशन का पूरा फॉर्मूला ये लिखा हुआ और उनका जो सिंबल है यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, जैसे MIG का मतलब क्या है, MTG का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। जैसे एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में आपको अगर आप बोलोगे तो एक नॉर्मलाइजेशन का वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 300 से प्लस ही आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी। उसके बाद स्टेज 2 शुरू हो जाता है। स्टेज 2 में आपका क्या कंडक्ट कराया जाएगा, जो बच्चे एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं, यानी एग्जाम में पास हो जाते हैं, उनका होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट असेसमेंट या फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका PET PST से पहले होगा इसमें, ठीक है ना, जैसे आपका आर्मी में होता है फिलहाल। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका 1600 मीटर की रन होगी, जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, यानी 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको 1600 मीटर की रेस करने के लिए। उसके बाद 20 स्क्वायर्स यानी कि उठक बैठक लगानी है 20, उसके बाद 10 पुशअप्स लगानी है आपको। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, जो आपको फिजिकल के टाइम पर अपने साथ में लेकर के जाने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेज 3 की, स्टेज 3 में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो बच्चे इन दोनों चीज़ों में पास हो जाते हैं ना, इन दोनों चीज़ों में जो पास हो जाएंगे बच्चे स्टेज 3 में, उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, यानी फिजिकल में भी और उसमें पास हो जाते हैं, उनके मेडिकल वगैरह कराने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जहाँ पर होगी INS चिल्का पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। स्टेज 4 में सबसे बड़ा, यानी कि स्टेज 3 में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ भी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, लेकिन स्टेज 4 जो रहेगा ना उसमें आपके पूरे अच्छे तरीके से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मंगाए जाएंगे और INS चिल्का पर आपको चेक किए जाएंगे। और INS चिल्का ही आपका जो ड्यूटी वगैरह रहेगी ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर रहने वाला आपका, ठीक है ना। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, सारा कुछ आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इंक्वायरी है तो इस पर जा सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हो, गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए, ठीक है ना। फॉर्म भरने की ये वाली वेबसाइट हो जाती है, ये वाली वेबसाइट आपकी फॉर्म भरने की, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ चल के, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद में ये आपको फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस दिया हुआ है, फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना होगा। 300 रुपये इसमें फॉर्म भरने के लिए फीस रहने वाली है, यानी कि OBC और जनरल और EWS से ली जाएगी, SC ST से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे तरफ एग्जामिनेशन सिटी के बारे में, देखो एग्जामिनेशन सिटी आपको खुद चॉइस करनी होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, स्टेज 1 जो आपका होगा वो स्टेज 1 होगा आपका सितंबर 2024 में। स्टेज 2 जो आपका होगा फिजिकल होगा, जिसमें आपका वो होगा आपका नवंबर 2025 में, अब नवंबर 2025 स्टेज 2। और स्टेज 3 ये शायद नवंबर 2024 होगा, नवंबर 2024 लिखना होगा, 25 लिख दिया होगा स्टेज 2 में। और स्टेज 3 जो होने वाला हो अप्रैल 2025 में आपका, यानी कि उस टाइम पर आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, कि डॉक्यूमेंट वगैरह और मेडिकल वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो मैंने आपको इसमें पढ़ करके सब बता दिए। अगर आपके दिमाग कोई डाउट हो, कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है उस इंस्टाग्राम पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट को हमारे को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया। टेलीग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे आने वाली पल की अपडेट आपको मिल सके। वैकेंसी की बात करते हैं तो 260 टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाती है 260 में 33 जोड़ देना, 33 के बाद 260 हो जाती है यहाँ पर, 260 33 18 9 ये टोटल वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और आने वाली पल की अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।